व्हाट यू मीन बाय ऑप्टिकल? ऑप्टिकल से आप क्या समझते हैं? एंड आईज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड आईज। आंखों से तो हम लोग सभी चीजें देख रहे हैं, जैसे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, अब्रेजन रेजिस्टेंस वगैरह देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब आंखों से देखते हैं, लेकिन जहां पर लाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है उनको हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, जो तीन मेजर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है जो हम लोग अपने बेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। दो आर ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पेंट की इसमें स्टडी करेंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद ओपेसिटी हाइडिंग। व्हाट डू यू बाय ओपेसिटी आर हाइडिंग ऑफ कोटिंग? वी विल टॉक इन द रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेस कोटिंग। एक पेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो हाइडिंग और ओपेसिटी इज बेसिक एबिलिटी ऑफ अ पेंट टू हाइड द सरफेस, वेदर इट इज अ ब्लैंक सरफेस और द पेंटेड सरफेस। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड सबस्ट्रेट? सरफेस मे बी अ कोटेड सबस्ट्रेट। सरफेस सबस्ट्रेट इज द ओरिजिनल मटेरियल ऑन व्हिच यू आर अप्लाइंग अ कोटिंग, एंड सरफेस मे बी अ पेंटेड सरफेस। पेंटिंग करने के बाद से भी अगर कोई चीज है तो उसको हम लोग सरफेस बोलेंगे, और सबस्ट्रेट बोलेंगे जो बेसिक मटेरियल से कंक्रीट है या आयरन है, वुड है, इनको हम लोग आमतौर पर सबस्ट्रेट बोलते हैं। इसी का बेसिक चलिए खैर। तो ओपेसिटी एज बी डिफाइंड कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ पेंट, किसी भी पेंट की एबिलिटी। तो ये एबिलिटी उस पेंट की किस पर डिपेंड करेगी? द ओपेसिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? आर आई ऑफ we are talking of difference. What should be? It should be RI of pigment minus RI of binder, or RI of binder minus RI of pigment. RI of medium minus RI of pigment. अगर ये कर देंगे तो क्या ये opacity नहीं देगा? Exactly. तो मान लो इसका आ रहा है यहाँ पर 2.776 ले लो मीटिंग इनका, इसका आ रहा है 1.5 हमें ले लेंगे, तो डिफरेंस है। तो चाहे 2.76 का हो चाहे 1. क्या इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इट इज द डिफरेंस, द वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव डजंट मीन, मोर द डिफरेंस मोर विल बी द ओपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल फॉग, फॉग क्या है? फॉग वाटर का एयर के अंदर वेपर्स का डिस्पर्शन। ठीक, वाटर की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1.6। ठीक, एयर की कितनी है? 1। तो वाटर का एयर में है आपको फॉग ओपेसिटी नजर आने लगी। ठीक, इसी का उल्टा कर दीजिए, फोम, फोम में क्या है? एयर वाटर में डिस्पर्शन, तो एयर की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर की 1, तो भी डिफरेंस है। तो फोम के भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं और फॉग के भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं। तो बी क्लियर दैट इट हैज नथिंग टू चेक वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इट शुड बी अ डिफरेंस, मोर द डिफरेंस मोर विल बी द ओपेसिटी। ठीक है, इसका अगर ग्राफिकल में हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं, ये नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, एयर इन वाटर, दिस इज वाटर इन एयर, ये पॉजिटिव साइड। तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय की जैसे जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, शुरू में क्या हुआ? नेगेटिव से हाई नेगेटिव, नेगेटिव से नॉर्मल आई और नॉर्मल से फिर बढ़ रही, अर्थात रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नेगेटिव भी अगर हायर साइड पर है देन आल्सो इट विल गिव यू द रिस्पेक्टिव, and if it is normal, the refractive index of medium and refractive index of pigments, if it is same,
then the spacing will be the least सबसे कम स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ना चालू कर जाएगा। तो ग्राफिकली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंसिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्वेशन पार्टिकल साइज। व्हेन यू से यू शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तो आप इससे क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ से नीचे जाएगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि उस पर लाइट टकराएगी नहीं, स्केचिंग नहीं होगी। तो क्या पॉइंट टू के ऊपर जैसे वो बढ़ेगा इट शुड गिव द मैक्सिमम स्केचिंग, ऐसा है क्या? इट इज नॉट नेसेसरी। ये तो जरूरी है कि ओपेसिटी तभी आएगी जब पार्टिकल पॉइंट टू से बड़े होंगे, हाफ ऑफ द वेवलेंथ से बड़े, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ से इमीडिएट जो बड़ा होगा दैट विल गिव यू द मैक्सिमम स्कैटरिंग, दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से टिटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, टिटेनियम डाइऑक्साइड हम लोग यू सी दिस ड्रॉप, दिस आई हैव टेकन फॉर टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड के केस में क्या है, 0.19 पर इसकी मैक्सिमम स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग फॉर टिटेनियम डाइऑक्साइड पर मिल, ये थिकनेस है, थिकनेस का भी रोल होता है, हम आर्टिकल पे बता देते हैं, थिकनेस ऑफ कोटिंग दैट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ये थिकनेस है कोटिंग की, तो जैसे जैसे इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता चला जाता है, पार्टिकल साइज इन नैनोमीटर, तो जैसे जैसे दिस इज इन माइक्रोन मीटर, दिस पार्टिकल साइज 0.19 माइक्रोन मीटर, 0.4 माइक्रोन मीटर, सो इट विल शूट अप वेरी फास्ट। जैसे ये हम लोग 0.19 पर आते हैं मैक्सिमम इसकी स्पेक्ट्रम होती है, और उसके बाद से जैसे ये नीचे आते हैं, जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं इसकी जो स्पेक्ट्रम कम होती चली जाती है। तो क्या होना चाहिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुनिए, द पार्टिकल साइज ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड इज ट्राई टू ग्राइंड द पिगमेंट टू द लेवल दैट वेरी लीस्ट क्वांटिटी of lower than 0.19 or 2.0 particles are available in that, otherwise वो useless आपके लिए। अगर दो से नीचे particle हो गया तो बेकार है, कहने के लिए वो खाली वजन बढ़ाएगा, आपको हाइटिंग नहीं देगा, स्पेक्ट्रम नहीं देगा। और क्या होना चाहिए, दो से ऊपर भी हो लेकिन ऐसा भी ना हो कि 1.6 के आसपास चला जाए, जितना वो ज्यादा जाएगा वो भी वजन बढ़ाएगा, क्योंकि वो भी आपको ओपेसिटी नहीं दे पाएगा। तो वी शुड हैव अ नैरो रेंज ऑफ पार्टिकल्स इफ यू वांट टू हैव द मैक्सिमम ओपेसिटी, दैट नैरो रेंज इट कैन बी 0.22 से 0.5 और 0.6 और मैक्सिमम 1, वी शुड हैव अ वेरी लार्ज ऑप्शन, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम लोग डिफरेंट ग्राइंड करते हैं नॉर्मली वी गेट अ मिक्सचर ऑफ साइज, वी डोंट गेट अ यूनिफॉर्म साइज एंड दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो ऑप्टिमम पार्टिकल साइज है उस पर्टिकुलर पिगमेंट, दिस विल आल्सो वेरी फ्रॉम पिगमेंट टू पिगमेंट, दिस इज द केस ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड, बट इफ यू टेक कैल्शियम कार्बोनेट, इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यू आर गेटिंग मैक्सिमम स्केचिंग एट 1.7 माइक्रोन मीटर, यहां पर हाफ ऑफ द वेवलेंथ नहीं है, यहां पर 1.7 माइक्रोन मीटर है। So particle size also plays a very important role in deciding the opacity of the material. होता है कि half of the wavelength से जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे maximum spectrum देखेंगे, it will depend totally upon the pigment कि किस pigment पर। अच्छा, और उसमें भी ऐसा भी है कि सपोज करिए pigment का surface is put here, it will also depend, this is also a factor that it will also depends upon the shape and the smoothness of a particle. Say for example, if a pigment is having so smooth particles and if a pigment is having GPX set, which will give you maximum spectrum. Both are having the same shape, but this will give you the higher spectrum, this will give you the lower spectrum. So this will also depends upon the nature of the surface of a pigment. ठीक है,
Now, when the light falls on this, light has three phenomena. Either it will reflect, or it will refract, or it will be absorbed by the crystal. It will have three phenomena, right? So, what happens in this case? Let us assume that this is a warning sphere. So, the light will bend from here because the medium is having some refractive index. So, it will bend, it will go. There are chances that the light may reflect out. The light may reflect out. Now, the angle of material. If this angle and this angle same, so that is called specular reflection. You want to understand that is called specular mirror like reflection. Specular ka matlab ho gaya mirror like reflection. If the incident angle and the reflected angles are same, then that is called specular reflection. Yahan par refraction bhi ho sakta hai is particle is light ka, that what material is available at the interface air and medium, and medium may be also the rating warnings and the pigment, that is also interface. If the pigment is over here, this light may be have again separately, this may reflect, this may absorb the pigment, or this may diffract, this may go somewhere, so again it will play a different role. What I mean to say is that we have this phenomenon. Now, what happens? Let us assume that this is a warnish. Now, when the light falls, there are chances in the thin coating that almost negligible amount of light absorb. Agar patli coating hai, to usme bilkul absorb nahi. Light giri, girne ke baad se is surface ke upar se wo reflect. Aapko specular reflection nazar aayega, chamak nazar aayega. या नीचे के सरफेस तक हो जाए तो नीचे के सरफेस से आपके रिफ्लेक्ट होगी। इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा लाइट गिरी, चलिए ऊपर के सरफेस से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होंगे, इस पर कोई चमक देता है आपको, शाइनिंग देता है, ग्लॉस देता है। अगर ये नीचे जाती है तो यहां तक पहुंचने में सेवरल इंग्रेडिएंट व्हिच विल डिफ्यूज द लाइट की इंटेंसिटी को कम करेगा, कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब करेगा। क्या होगा? The thick coating will not have that much hiding, that much reflection as your thin coating. The thin coating इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छी ग्लास लाने के लिए हम लोग आमतौर पर थिन कोटिंग लगाते हैं। अगर किसी पेंट से अच्छी ग्लास आपको पानी हो तो पहले आप वो पेंट लगा करके उसके ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर के वार्निश की लेयर लगा दीजिए, तो दैट विल बी गुड, वेरी गुड gloss. Filtering. We are checking the filtering from the dry film. Right. A coating is applied with pure titanium dioxide to dry it, and then titanium dioxide NRT strip, and then 50-50 ratio of titanium dioxide to dry it and calcium sulfide. Okay. And then 30-70 ratio of titanium dioxide to dry it and calcium. Calcium sulfide is the test and gap. This is pure coating. We have taken three. Now, if you see that titanium dioxide is stretching at this level. Say, for example, if it is 18 or 90, whatever it comes, say 17. So it will give you at this PVC, it will give you the maximum stretching, that is maximum opacity. Below this and beyond this. In both the case, the opacity will loosen down, so there is no fun. कुछ लोग सोचते हैं कि titanium dioxide जो है इसमें 40 ppc का ले लेते हैं, 25 ppc का ले लेते हैं, इससे hiding मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि titanium dioxide is a very costly pigment. Even 1% extra addition will cost you significantly in any paint industry. तो titanium dioxide को कैसे बचत करनी चाहिए? Optimize it. किस सिस्टम के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? वाटर बेस्ड सिस्टम है, सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम है, रेजिंग कॉम्स है, यू मस्ट ऑप्टिमाइज।
हर एक के साथ पीवीसी आपकी वेरी कर सकती है. यू ऑप्टिमाइज इट एंड ट्राई टू यूज दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड. इवन इफ यू वांट टू ऐड, पहली बात तो ये है कि एज यू स्टार्ट एडिंग द पिगमेंट द ग्लॉस कम्स डाउन, चमक कम होना चालू हो जाती है जैसे पिगमेंट आप डालना चालू करते हैं. तो अगर हाई ग्लास फिनिश चाहिए तो मिनिमम क्वांटिटी पिगमेंट की डालने की जरूरत है. ठीक है, तो पीवीसी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बट वी शुड कंट्रोल इट. अब यहाँ पर देखिए पीवीसी भी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग आएगा, इसके लिए यहाँ पर ही पीवीसी आ रहा है, यहाँ पर इसके लिए यहाँ आ रहा है, इसके लिए यहाँ आ रहा है. PVC will also vary from material to material. ऐसा नहीं कि टिटेनियम का पीस जैसे ब्लैक ऑक्साइड है, कार्बन ब्लैक ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक में क्या होगा, इवन 5 PVC या 6 PVC पर यू विल गेट सफिशियंट हाइडिंग. सो नेक्स्ट पॉइंट वही हमारा है, द पीवी द हाइडिंग ओपेसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ पिगमेंट. क्योंकि तीन फिनोमेना आपको बताए थे ना, इसके अंतर्गत रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन है एब्जॉर्प्शन, तो वो एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना चालू हो जाएगा डार्क कलर में. तो डार्क कलर में जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन डार्क कलर बढ़ता चला जाता है ओपेसिटी आपको अच्छी नजर आने लगेगी. ठीक, दूसरा उदाहरण आप लोगों को वहां पर भी आपने देखा था, जैसे इस चार्ट में ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके ऊपर सपोज करिए कि येलो पेंट आपने लगाया. ठीक है, येलो पेंट का कलर लाइट है, तो येलो पेंट अब किसके ऊपर आपको कलर वो दिखला है, किसको हाइड कर लेगा, सफेद को तो आसानी से हाइड कर लेगा, ब्लैक को नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यहां पर एक नेक्स्ट फिनोमिना जिस पर कि ये डिपेंड करेगी ओपेसिटी, दैट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द बेस कोट, व्हाट इज द कलर ऑफ द सबस्ट्रेट. इसीलिए कहा जाता है कि घर में अगर पेंट का कलर बदलना है, जैसे आपका ब्लू कलर लगा हुआ है, अब ब्लू कलर से आप ग्रीन कलर करना चाहते हैं तो आप सिंगल कोटिंग में वो कलर नहीं पा सकते हैं, कि ब्लू कलर इटसेल्फ इज अ डार्क कलर. तो डार्क कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ाने के लिए, चाहे वो लाइट हो चाहे वो डार्क हो, यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 2 or 3 कोटिंग. इट इज नॉट पॉसिबल कि एक कोट में हो जाए, लेकिन लाइट कोट के ऊपर जब भी डार्क कलर आप चढ़ाएंगे तो आसानी से आप चढ़ा लेंगे. जैसे इसी व्हाइट के ऊपर आपको ब्लू कलर करना होगा तो एक ही कोट में आपका ब्लू कलर आ जाएगा. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट विच यू आर यूजिंग एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द सब्सट्रेट. किस कलर पर करेंगे, लाइट कलर विल हैव डिफरेंट वे ऑफ ओपेसिटी, द डार्क कलर विल हैव डिफरेंट वे ऑफ ओपेसिटी. और आमतौर पर डार्क कलर पर ओपेसिटी कम होती है, डार्क कलर का पिगमेंट अपने आप में अच्छी ओपेसिटी देता है, लेकिन डार्क कलर के सब्सट्रेट के ऊपर ओपेसिटी आपको कम मिलेगी. इसीलिए जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट लेते हैं, एक्सट्रीम एब्जॉर्बर एंड एक्सट्रीम रिफ्लेक्टर, इसमें दो अलग अलग पिगमेंट हम लोग लेते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स हाउ टू मेजर द ओपेसिटी. ठीक है, हाइडिंग हम लोग देखते क्या, देखिए हाइडिंग में दो होते हैं, वेट ओपेसिटी एंड ड्राई ओपेसिटी. एक हम आपको और जनरल बता देते हैं कि सपोर्ट करिए पीवीसी हमारा व्हाइट में 20 है, आपने 10 पीवीसी का कोई पेंट बनाया, 10 पीवीसी के पेंट में अगर आप गीली अवस्था में उसकी हाइडिंग देखेंगे और ड्राई अवस्था में हाइडिंग देखेंगे, तो गीली अवस्था में आपको हाइडिंग ज्यादा अच्छी नजर आएगी. ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ कोटिंग विथ लेस पीवीसी द वेट ओपेसिटी विल बी मोर कंपेयर टू योर ड्राई ओपेसिटी. इफ यू आर मेकिंग अ पेंट with ideal PVC, the wet and dry both will have the same opacity. The thickness will give you the same opacity. But if you are making a paint with higher PVC, the dry will give you better opacity compared to your wet. अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को, आ गया समझ में ना? क्योंकि जिस समय PVC कम रहेगा उस समय जो लाइट गिरेगी किसी भी वेट पर पोजीशन पर, तो वेट के अंदर सॉल्वेंट भी है, दूसरे मटेरियल है, सॉल्वेंट उड़ा नहीं है, तो सॉल्वेंट का अपना आ रही होगा, बाइंडर का आ रही होगा और पिगमेंट का आ रही होगा, तो तीनों आ रही उसमें रोल प्ले करेंगे, जिसकी वजह से वहां आपकी ओपेसिटी ज्यादा नजर आती है. और ड्राई अवस्था में क्या है,
सॉल्वेंट प्रिंसिपल रहता है, केवल बाइंडर रहता है, तो कम से कम जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस पीवीसी के लिए दैट शुड बी ठीक है। यही कारण है कि हम लोग लैब में कोई पेंट लाते हैं तो वेट ओपेसिटी देख करके एश्योर हो जाते हैं कि जब वेट ओपेसिटी है तो ड्राई ओपेसिटी तो आ ही जाएगी। वी एज्यूम दैट दे हैव ऑलरेडी मिक्स्ड द पिगमेंट एट आफ्टरनून दे विल टू गिव यू द प्रॉपर ओपेसिटी ठीक है। लेकिन आमतौर पर आप देखिएगा जो सेकेंड और थर्ड क्वालिटी पेंट होते हैं उसके अंदर पिगमेंट लेवल हमारा कमजोर होता है, पिगमेंट हम लोग उस लेवल को नहीं डालते ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना चाहते थे कि जैसे जितने भी ऑर्गेनिक पिगमेंट है ये तो आप लोगों को वैसे ही पता है इनकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, ओपेसिटी भी इनकी कम होती है ठीक है। तो ये इस पिगमेंट की जब भी कोटिंग कहीं की जाती है तो ये बहुत अच्छी हाइडिंग ये नहीं देते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं या तो हम लोग कोई इनऑर्गेनिक पिगमेंट उसमें मिलाते हैं जिसकी वजह से उसकी ओपेसिटी हो जाए, या उसकी दो या तीन कोटिंग करते हैं उसकी थिकनेस बढ़ाते हैं। सो द मेजरमेंट हम लोग पेंट को लगाते हैं, ये आप लोगों ने लैब में किया था। यू मेजर द पेंट कंटेनर एंड ब्रश टुगेदर ठीक है, एंड यू मेजर द वेट ऑफ दिस, देन यू अप्लाई अ पेंट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यू अप्लाई टिल यू गेट द सिग्निफिकेंट ओपेसिटी। जब आपको दिखलाई पड़े कि डिस्टिंग्विश करना डिस्टिंक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इज डिफिकल्ट, that level you apply the coating and then you again paint ठीक है। एक बार आपने हॉरिजॉन्टल पर लगा दिया और आपको नजर आ गया, उसके बाद अगर ये थोड़ा मुड़ भी जाता है तो हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेंट तो उतना ही गया जितना चाहिए, उसके बाद सारा पेंट इकट्ठा भी हो जाता है बिकॉज यू आर गोइंग टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ पेंट। सो यू मेजर द वेट ऑफ दिस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेंट ठीक। आर यू कैन डू वन थिंग, यू मेजर द कंटेनर, कंटेनर पेंट एंड ब्रश उसको लगाने के पहले और लगाने के बाद मेजर कर लीजिए, दैट विल बी मोर इफेक्टिव आई थिंक रादर देन यूजिंग दिस वन। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा हाउ मच पेंट यू हैव यूज, यू नो द डेंसिटी ऑफ द पेंट वेट पर लीटर, सो यू कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ पेंट बाय वॉल्यूम विच यूज ऑन दिस सरफेस। एरिया इन स्क्वायर मीटर, डब्ल्यू इज द वेट ऑफ पेंट एंड डी इज द डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर, दिस इज वेट इन किलोग्राम, सो दिस इज डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर, सो दिस किलोग्राम एंड दिस किलोग्राम विल कैंसिल, सो एरिया पर लीटर ठीक। एरिया पर 10 लीटर यू कैन कैलकुलेट इन दिस। तो आमतौर पर एक जो पेंट होता है वो करीब 20 स्क्वायर मीटर के आसपास एक लीटर पेंट कवर करता है, आमतौर पर ये होता है। दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट टू स्लाइड्स, दीज आर फ्यूज टूगेदर, दीज आर फ्यूज टूगेदर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, द डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन आर द यू कैन से अमाउंट ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस शुड नॉट बी मोर देन 8% इन एनी वे। The amount of light which is reflected from this surface should not be more than 8%. And the amount of light reflected from the white surface should not be less than 65. इससे ऊपर होनी चाहिए amount of light जो reflect होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ग्राउंड करके दे दें, it should be glossy surface. तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, ये जितनी ज्यादा reflect करेगी उतनी ज्यादा ठीक है। तो these are fused together. Here there are groups, these groups to accept the excess material, जो excess paint हम लोग रहते हैं के लिए इसमें होती है, जैसे इसके बीच में हम लोग रखते हैं, this forms the lid, this is the top plate, there are two top plates, one is having K value
0.004, the other is having p value 0.008. What this indicates? This indicates basically the angle. This is the base plate. When you put that top plate, this forms a sort of wedge. There are two steel knots. दो स्टील की यहाँ लगे हुए हैं, छोटे से स्टील के जो नॉब्स हैं, और ये इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से रखते हैं ताकि इसे रखने के बाद से यहाँ पर एक इसके बीच में यहाँ पर ब्रेक बनता है, जैसे कि आपका ये बस रहा है, ये ऐसे ही यहाँ ये स्टील का है, ये इसको थोड़ा सा उठा देगा और ये जो ब्रेक लास्ट वाला जो पोर्शन है प्लेट का ये यहाँ पर निकल है, तो दिस विल फॉर्म अ वेज, दिस इज द वेज एंगल एंड दिस वेज टेक्स द पेंट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन इज हैविंग थ्री वेज 0.004 अगर इस p वैल्यू को कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ tan थीटा, tan थीटा आप ले करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर आपका हाइडिंग आ रही है. जब आप इसको पेंट को आप बीच में रखें, उसके बाद से जिस साइड में स्टील की थोड़ा सा पोर्शन निकला हुआ है उस साइड को इस तरीके से रखें ताकि वो पेंट उसमें ट्रैप हो जाए, ये पेंट आपका यहाँ पर ट्रैप हो जाए, एंड देन यू हैव टू मूव दिस, आगे पीछे इसको मूव करना है ऐसे. जब आप इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो पेंट की एक हाइट आएगी, जिसमें जो हमारी जो फ्यूज लाइन है जहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक हमारा अलग अलग हो रहा है, व्हाइट पर असली देखना है कि इसको आगे पीछे करने में अगर ये हमारा डिमार्केशन लाइन है किस हाइट के ऊपर दिस इज गिविंग यू द ओपेसिटी, दैट हाइट यू हैव टू मेजर. सो हाउ विल यू मेजर दैट हाइट? जस्ट बाय पुटिंग दिस वन अपॉन पी एल, दिस फार्मूला. एंड व्हाट इज एल? एल इज बेसिकली द लेंथ. सपोज करिए इस हाइट पर व्हेन यू आर मूविंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू आर गेटिंग ओपेसिटी, तो व्हाइट और ब्लैक पर बीच में जो लाइन है वो डिसअपीयर हो जा रही है, तो जिस पॉइंट पर वो डिसअपीयर हो जाए लेंथ आप यहाँ से देख लेंगे यहाँ तक मेजर कर लेते हैं. सपोज करिए इस पर देखिए निशान बना हुआ है, दिस इज इन सेंटीमीटर, ठीक है. इसी प्रकार इसमें भी बना हुआ है वाइट में भी 10, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर में ये बना हुआ है, ठीक है. तो इसका जो जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये किस पॉइंट को टच कर रहा है, इस भी पॉइंट को सपोज करिए अगर 30 को कर रहा है 34 को कर रहा है, तो दिस इज योर लंग, दिस इज योर 30, दिस इज एल एंड पी इज दिस कांस्टेंट, तो दिस विल गिव यू द स्क्वायर मीटर, द वेट ओपेसिटी पर लीटर, एक लीटर पेंट इतनी एरिया को कवर करेगा. दिस इज हाउ वी मेजर विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोमीटर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो दिस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेट ओपेसिटी. इक्वल टू 0.008, व्हाई दिस टू वैल्यू? तो अब आपसे एक सवाल हमारा ये है कि सपोज करिए दो तरीके के पेंट है, एक लाइट कलर का एक डार्क कलर, भाई टोटल पेंट को दो कैटेगरी में बांटे, जैसे हल्के कलर और व्हाइट, डार्क कलर और थोड़े से ब्लैक, ठीक, ये दो कैटेगरी मान लीजिए बांटे, जैसे कि ब्लू ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, ये आपके डार्क पेंट हो गए, रेड ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, डार्क पेंट, ठीक है, पेसल ग्रीन हो गया या येलो कलर हो गया या स्काई ब्लू कलर हो गया, ये आपके लाइट को देखेगा. अब अगर ओपेसिटी देखना है तो कई बार ऐसा होता है कि जो लाइट पेंट होते हैं वो आपका पूरा निकल जाता है, ओपेसिटी नहीं निकल आती है, तो 0.008 है हायर वेज एंगल, ये वेज एंगल जो उसका होता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस वेज एंगल विल बी लाइक दिस, दैट मींस इट विल हैव मोर पेंट, दिस थिंग इट विल टेक मोर पेंट.
for example, which is trading rate and is trading capacity. In fact, right, capacity is the property, the characteristics. किसी भी फिल्म की characteristics है कि wet opacity ये paint कैसा दे रहा है, किसी paint की characteristics. लेकिन how will you measure it? That is called spreading capacity. तो उसका जो measurement है, हम जिस scale में measure करते हैं, जब quantify करते हैं, तो उसको हम लोग spreading capacity बोलते हैं. Spreading capacity means square area per liter of paint or per 10 liter of paint. Volume of paint covering the area with appropriate height so that the surface can be opacified. It can opacify the surface. ठीक उस height, उस width के ऊपर, उस thickness के ऊपर जो coating हम लोग apply करते हैं, उसकी 1 liter paint कितनी area को cover करता है, ये depend करता है. तो आप first quality paint किसी भी company का आमतौर पर देखेंगे, तो वो ज़्यादा area cover करेगा. क्योंकि उसमें हो सकता है 40 माइक्रॉन की फिल्म के ऊपर जो है आपकी ओपेसिटी आ जाए. और जो सेकेंड क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल होता है वो हो सकता है कि आपको कम एरिया को कवर करे, 10 स्क्वायर मीटर और 15 स्क्वायर मीटर ही कवर कर पाए हो, क्योंकि उसमें थिकनेस आपको ज्यादा देनी पड़ेगी तब वो हाइट कर पाएगा सरफेस को. ठीक है, ये थोड़ा सा आपका हो जाता है. स्प्रेडिंग रेट कोई बहुत मतलब नहीं रखता है स्प्रेडिंग रेट, बट स्प्रेडिंग रेट इज व्हाट कि उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करने में कितना समय लगा. रेट मीन्स टाइम, इट इज रिलेटेड विद द टाइम. तो एरिया कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, जैसे भाई 20 स्क्वायर मीटर आपने कहा कि 1 मीटर पेंट 20 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेगा विद प्रॉपर थिकनेस सो दैट इट कैन ओपेसिफाई द सरफेस. तो उस 20 स्क्वायर मीटर के एरिया को उस पेंट को लगाने में कितना समय लगा, दैट इज स्प्रेडिंग रेट. वैसे इसका महत्व ये हो जाता है कि समटाइम कुछ पेंट जो होते हैं अपने आप में स्टिकी होते हैं, जब आप लगाएंगे तो आपके ब्रश को वो पकड़ते हैं, मतलब मूव नहीं होने देते, स्मूथनेस नहीं आती है. तो उसमें क्या होता है, एक तो लेबर थक जाता है और दूसरा वो कम लगा पाता है. तो हम लोग कभी कभी कुछ पेंट में स्पेशली ये चीज हमने देखा है वाटर बेस्ड सिस्टम के अंतर्गत कि हम लोग कुछ ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिससे हमारा फ्लो बढ़ जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए आपने चाइना क्ले या माइका डाल दिया, तो माइका क्या करेगा, स्लिपरी होता है, तो आपके दस बहुत ही स्मूथली वो मूव करेगा, तो पेंट कवर ब्लॉट ऑफ. Uniform size, and that is also not required.
तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो ऑप्टिमम पार्टिकुलर साइज है उस पर्टिकुलर पिगमेंट, दिस विल आल्सो वेरी फ्रॉम पिगमेंट टू पिगमेंट, दिस इज द केस ऑफ इटेरियम डाइऑक्साइड, बट इफ यू टेक कैल्शियम कार्बोनेट, इन केस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यू आर गेटिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रिक एट 1.7 माइक्रोन मीटर, यहां पर हाफ ऑफ द वेवलेंथ नहीं है, यहां पर 1.7 माइक्रोन मीटर है. So particle size also plays a very important role in deciding the opacity of the material. होता है कि half of the wavelength से जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे maximum spectrum देखेंगे, it will depend totally upon the pigment. कि किस pigment पर. अच्छा और उसमें भी ऐसा भी है कि suppose करिए pigment का surface is put है, it will also depend. This is also a factor. That it will also depends upon the shape and the smoothness of a particle. Say for example, if a pigment is having so smooth particles and if a pigment is having GPX set, which will give you maximum spectrum. Though both are having the same shape, but this will give you the higher spectrum, this will give you the lower spectrum. So this will also depends upon the nature of the surface of a pigment. ठीक है, अप्लाइंग ऑफ कोटिंग, दिस कोटिंग इज दिस वन, अनदर सरफेस यू आर अप्लाइंग अ थिक कोटिंग, थोड़ा सा इसको नाउ व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दिस लाइट हैज थ्री फिनोमेना, आइदर इट विल रिफ्लेक्ट or it will refract or it will be absorbed by the system. It will have three phenomena, right? So what happens in this case? Let us assume that this is a varnish, clear varnish. So the light will bend from here because the medium is having some refractive index, so it will bend, it will go. There are chances that the right light may reflect out. The light may refract out. यहाँ पर एक चीज़ और समझिए है। If this angle and this angle is same, so that is called specular reflection. ये वर्ड ध्यान रखिए। That is called specular mirror-like reflection. Specular का मतलब हो गया mirror-like reflection. If the incident angle and the reflected angles are same. Then that is called specular reflection. यहाँ पर reflection भी हो सकता है इस particle पर इस light का, that will depend on what material is available at the interface. Interface air and medium. And medium में भी हो सकता है raging, varnish and the pigment. That is also interface. If the pigment is over here, this light may be here again separately. This may reflect. Absorb the pigment or this may diffract, this may go somewhere. So again it will play a different role. So what I mean to say is that we have this phenomenon. Now what happens? Let us assume that this is a varnish. Now when the light falls, there are chances in the thin coating that almost negligible amount of light absorb. Agar patli coating hai, to usme bilkul absorb nahi hogi. लाइट गिरी, गिरने के बाद से इस सरफेस के ऊपर से वो रिफ्लेक्ट होगी, आपको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन नजर आएगा, चमक नजर आएगा, ठीक है, या नीचे के सरफेस तक पहुंचाएगी, तो नीचे के सरफेस से आपकी रिफ्लेक्ट होगी. इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा लाइट गिरी, चलिए ऊपर के सरफेस से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो गया, स्पेक्युलर कोई चमक देता है, आपको शाइनिंग देता है, ग्लॉस देता है. अगर ये नीचे जाती है तो यहां तक पहुंचने में देयर आर सेवरल इंग्रेडिएंट्स व्हिच विल डिफ्यूज द लाइट की इंटेंसिटी को कम करेगा, कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब करेगा. तो इस केस में क्या होगा, द थिक कोटिंग विल नॉट हैव दैट मच हाइडिंग दैट मच रिफ्लेक्शन एज योर थिन कोटिंग. द थिन कोटिंग इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छी ग्लास लाने के लिए हम लोग आमतौर पर थिन कोटिंग लगाते हैं. अगर किसी पेंट से अच्छी ग्लास आपको पानी हो तो पहले आप वो पेंट लगा करके उसके ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर से वार्निश की लेयर लगा दीजिए, तो दैट विल गिव यू द
very good blocks. Coating, we are checking the stitching from the drive. Right. Now coating is applied with pure titanium dioxide to tie it, and then titanium dioxide NRT strip, and then 50-50 ratio of titanium dioxide to tie and calcium sulfide. Okay. And then 30-70 ratio of titanium dioxide to tie and calcium. Calcium sulfide is the extender. This is pure two. We have taken three combination. Now, if you see the titanium dioxide gives stretching at this level. Say, for example, if it is 18 or 90, whatever it comes, say 17. Now, for example, you put this one. So, it will give you at this PVC, it will give you the maximum stretching at this maximum opacity. You know this and beyond this. In both the case, the opacity will loosen down. There is no fun. कुछ लोग सोचते हैं कि टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है इसमें 40 पीपीसी का ले लेते हैं, 25 पीपीसी का ले लेते हैं, इससे हाइडिंग मिल जाएगी. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टिटेनियम डाइऑक्साइड इज अ वेरी कॉस्टली पिगमेंट. इवन 1% एक्स्ट्रा एडिशन विल कॉस्ट यू सिग्निफिकेंटली इन एनी पेंट इंडस्ट्री. तो टिटेनियम डाइऑक्साइड को कैसे बचत करनी चाहिए, ऑप्टिमाइज किस सिस्टम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर बेस्ड सिस्टम है, सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम है, रेजिंग कौन सा है, यू मस्ट ऑप्टिमाइज. हर एक के साथ पीवीसी आपकी वेरी कर सकती है. यू ऑप्टिमाइज इट एंड ट्राई टू यूज दैट ऑप्टिमम लेवल ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड. इवन इफ यू वांट टू ऐड, पहली बात तो ये है कि एज यू स्टार्ट एडिंग द पिगमेंट द ग्लॉस कम्स डाउन, चमक कम होना चालू हो जाती है जैसे पिगमेंट आप डालना चालू. तो अगर हाई ग्लास फिनिश चाहिए तो मिनिमम क्वांटिटी पिगमेंट की डालने की जरूरत है. ठीक है, तो पीवीसी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट वी शुड कंट्रोल इट. अब यहाँ पर देखिए, पीवीसी भी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग आएगा. इसके लिए यहाँ पर पीवीसी आ रहा है, यहाँ पर इसके लिए यहाँ आ रहा है, इसके लिए यहाँ आ रहा है. पीवीसी विल ऑल्सो वेरी फ्रॉम मटीरियल टू मटीरियल. ऐसा नहीं है कि टिटेनियम का पीस जैसे ब्लैक ऑक्साइड है, कार्बन ब्लैक ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक में क्या होगा, इवन 5 पीवीसी या 6 पीवीसी पर यू विल गेट सफिशिएंट हाइडिंग. सो नेक्स्ट पॉइंट वही हमारा है, द पीवी द हाइडिंग ओपेसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ पिगमेंट. क्योंकि तीन फिनोमेना आपको बताया कि इसके अंतर्गत रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन. वो एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना चालू हो जाएगा डार्क कलर में. डार्क कलर में जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन डार्क कलर बढ़ता चला जाता है, ओपेसिटी आपको अच्छी नजर आने लगेगी. ठीक, दूसरा उदाहरण आप लोगों को वहां पर भी आपने देखा था, जैसे इस चार्ट में ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके ऊपर सपोज करिए कि येलो पेंट आपने लगाया. ठीक है, येलो पेंट का कलर लाइट है, तो येलो पेंट अब किसके ऊपर आपको कलर वो दिख रहा है, किसको हाइड कर लेगा, सफेद को तो आसानी से हाइड कर लेगा, ब्लैक को नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो यहां पर एक नेक्स्ट फिनोमिना जिस पर कि ये डिपेंड करेगी ओपेसिटी, दैट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द बेस कोट, व्हाट इज द कलर ऑफ द सबस्ट्रेट. इसीलिए कहा जाता है कि घर में अगर पेंट का कलर बदलना है, जैसे आपका ब्लू कलर लगा हुआ है, अब ब्लू कलर से आप ग्रीन कलर करना चाहते हैं, तो आप सिंगल कोटिंग में वो कलर नहीं पा सकते हैं. ब्लू कलर इटसेल्फ इज अ डार्क कलर, तो डार्क कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ाने के लिए, चाहे वो लाइट हो चाहे वो डार्क हो, यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 2 or 3 कोटिंग. इट इज नॉट पॉसिबल कि एक कोट में हो जाए, लेकिन लाइट कोट के ऊपर जब भी डार्क कलर आप चढ़ाएंगे तो आसानी से आप चढ़ा लेंगे. जैसे इसी व्हाइट के ऊपर आपको ब्लू कलर करना होगा, तो एक ही कोट में आपका ब्लू कलर आ जाएगा. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट विच यू आर यूजिंग, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द सब्सट्रेट. किस कलर पर कर रहे हैं, लाइट कलर विल हैव डिफरेंट वे ऑफ ओपेसिटी, द डार्क कलर विल हैव डिफरेंट वे ऑफ ओपेसिटी. और आमतौर पर डार्क कलर पर ओपेसिटी कम होती है, डार्क कलर का पिगमेंट अपने आप में अच्छी ओपेसिटी देता है, लेकिन डार्क कलर के सब्सट्रेट के ऊपर ओपेसिटी आपको कम मिलेगी. इसीलिए जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट लेते हैं, एक्सट्रीम एब्जॉर्बर एंड एक्सट्रीम रिफ्लेक्टर, इसमें दो अलग अलग पिगमेंट. ठीक है, तो
Now next comes, how to measure the opacity? इसका hiding हम लोग देखते क्या? देखिए hiding में दो चीज़ होते हैं, wet opacity and dry opacity. एक हम आपको और general बता देते हैं कि support करिए, PVC हमारा white में 20 है. आपने 10 PVC का कोई paint बनाया, 10 PVC के paint में अगर आप गीली अवस्था में उसकी हाइडिंग देखेंगे और ड्राई अवस्था में हाइडिंग देखेंगे, तो गीली अवस्था में आपको हाइडिंग ज्यादा अच्छी नजर आएगी. ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ कोटिंग विथ लेस पीवीसी, द वेट ओपेसिटी विल बी मोर कंपेयर टू योर ड्राई ओपेसिटी. इफ यू आर मेकिंग अ पेंट विथ आइडियल पीवीसी, द वेट एंड ड्राई बोथ विल हैव द सेम ओपेसिटी. The thickness will give you the same opacity. But if you are making a paint with higher PVC, the dry will give you better opacity compared to your wet. अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें. समझ में आ रही है आप लोगों को? आ गया समझ में ना? क्योंकि जिस समय PVC कम रहेगा उस समय जो लाइट गिरेगी किसी भी वेट पर पोजिशन पर, तो वेट के अंदर सॉल्वेंट भी है, दूसरे मटेरियल है, भी सॉल्वेंट उड़ा नहीं है, तो सॉल्वेंट का अपना आ रहा ही होगा, बाइंडर का आ रहा ही होगा और पिगमेंट का आ रही होगा, तो तीनों आ रहा ही उसमें रोल प्ले करेंगे, जिसकी वजह से वहां आपकी ओपेसिटी ज्यादा नजर आती है. और ड्राई अवस्था में क्या है, सॉल्वेंट प्रिंसिपल रहता है, केवल बाइंडर रहता है, तो कम से कम जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उस पीवीसी के लिए, दैट शुड बी ठीक है. यही कारण है कि हम लोग लैब में कोई पेंट लाते हैं तो वेट ओपेसिटी देख करके एश्योर हो जाते हैं कि जब वेट ओपेसिटी है तो ड्राई ओपेसिटी तो आई जाएगी. वी एज्यूम दैट दे हैव ऑलरेडी मिक्स्ड द पिगमेंट एट ऑप्टिमम लेवल टू गिव यू द प्रॉपर ओपेसिटी, ठीक है. लेकिन आमतौर पर आप देखिएगा जो सेकंड और थर्ड क्वालिटी पेंट होते हैं उसके अंदर पिगमेंट लेवल हमारा कमजोर होता है, पिगमेंट हम लोग उस लेवल पर नहीं डालते, ठीक है. अच्छा एक चीज और बताना चाहते थे कि जैसे जितने भी ऑर्गेनिक पिगमेंट है, ये तो आप लोगों को वैसे ही पता है, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ओपेसिटी भी इनकी कम होती है, ठीक है. तो ये इस पिगमेंट की जब भी कोटिंग कहीं की जाती है तो ये बहुत अच्छी हाइडिंग ये नहीं देते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो हम लोग कोई इनऑर्गेनिक पिगमेंट उसमें मिलाते हैं जिसकी वजह से उसकी ओपेसिटी हो जाए, या उसकी दो या तीन कोटिंग करते हैं उसकी थिकनेस बढ़ाते हैं. सो द मेजरमेंट हम लोग पेंट को लगाते हैं, ये आप लोगों ने लैब में किया था. यू मेजर द पेंट कंटेनर एंड ब्रश टुगेदर, ठीक है, एंड यू मेजर द वेट ऑफ दिस, देन यू अप्लाई अ पेंट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यू अप्लाई इट टिल यू गेट द सिग्निफिकेंट ओपेसिटी. जब आपको दिखलाई पड़े कि डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इज डिफिकल्ट, टू दैट लेवल यू अप्लाई द कोटिंग एंड देन यू अगेन पेंट, ठीक है. एक बार आपने हॉरिजॉन्टल पर लगा दिया और आपको नजर आ गया, उसके बाद अगर ये थोड़ा मुड़ भी जाता है तो हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेंट तो उतना ही गया जितना चाहिए, उसके बाद सारा पेंट इकट्ठा भी हो जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ पेंट. सो यू मेजर द वेट ऑफ दिस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेंट, ठीक. आर यू कैन डू वन थिंग, यू मेजर द कंटेनर, कंटेनर पेंट एंड ब्रश, उसको लगाने के पहले और लगाने के बाद मेजर कर लीजिए. That will be more effective, I think, rather than using this one. तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा how much paint you have used. You know the density of the paint, weight per liter. So you can calculate the quantity of paint by volume which you use on this surface. The area in square meter, W is the weight of paint and D is the density kilogram per liter. एरिया पर लीटर,
area per 10 liter. You can calculate it. So, आम तौर पर एक जो पेंट होता है वो करीब 20 स्क्वायर मीटर के आसपास एक लीटर पेंट कवर कर लेना चाहिए. आम तौर पर ये होता है. This is black and white. Two slides. These are fused together. These are fused together. एक बात और ध्यान दीजिएगा. The diffusion, the diffusion or the you can say amount of light which is reflected from this surface should not be more than 8% in any way. The amount of light which is reflected from this surface should not be more than 8%. And the amount of light reflected from the white surface should not be less than 65. इससे ऊपर होनी चाहिए amount of light. जो रिफ्लेक्ट होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप इसको ग्राउंड करके दे दें. इट शुड बी ग्लॉसी सरफेस. तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है. ये जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा. ठीक है. तो दीज आर फ्यूज टूगेदर. हियर देर आर ग्रुप्स. दीज ग्रुप्स टू एक्सेप्ट द एक्सेस मटेरियल. जो एक्सेस पेंट हम लोग रहते हैं के लिए इसमें होती है. जैसे इसके बीच में हम लोग रखते हैं. दिस फॉर्म्स द बेस. दिस इज द टॉप प्लेट. There are two top plates. One is having K value 0.004. The other is having K value 0.008. What this indicate? This indicates basically the angle. This is the base plate. When you put that top plate, this forms a sort of wedge. In wedge bana. There are two steel knots. दो स्टील की यहाँ लगे हुए हैं छोटे से स्टील के जो नॉट्स हैं. और ये इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से रखते हैं ताकि इसे रखने के बाद से यहाँ पर एक इसके बीच में यहाँ पर वेग बनता है. जैसे कि आपका ये बन रहा है ये ऐसे यहाँ ये स्टील का है. इसको थोड़ा सा उठा देगा और ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है प्लेट का ये यहाँ पर निकलेगा. तो दिस विल फॉर्म अ वेज. दिस इज द वेज एंगल एंड दिस वेज टेक्स द पेंट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हैविंग के वैल्यू 0.004. अगर इस P वैल्यू को कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टेन थीटा. टेन थीटा आप लेकर के इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर आपका हाइडिंग आ रही है. जब आप इसको पेंट को आप बीच में रखें उसके बाद से जिस साइड में स्टील की थोड़ा सा पोर्शन निकला हुआ है उस साइड को इस तरीके से रखें ताकि वो पेंट उसमें ट्रैप हो जाए. ये पेंट आपका यहाँ पर ट्रैप हो जाए एंड देन यू हैव टू मूव दिस. आगे पीछे इसको मूव करना है. ऐसे जब आप इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो पेंट की एक हाइट आएगी. इसमें जो हमारी जो फ्यूज लाइन है जहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक हमारा अलग अलग हो रहा है व्हाइट पर हमें देखना है कि इसको आगे पीछे करने में अगर ये हमारा डिमार्केशन लाइन है इस हाइट के ऊपर दिस इज गिविंग यू द ओपेसिटी. दैट हाइट यू हैव टू मेजर. सो हाउ डू यू मेजर दैट हाइट? जस्ट बाय पुटिंग दिस वन अपॉन की एल. दिस फार्मूला एंड व्हाट इज एल? एल इज बेसिकली द लेंथ. सपोज करिए इस हाइट पर व्हेन यू आर मूविंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू आर गेटिंग ओपेसिटी. तो व्हाइट और ब्लैक पर बीच में जो लाइन है वो डिसअपीयर हो जा रही है. तो जिस पॉइंट पर वो डिसअपीयर हो जाए लेंथ आप यहाँ से देख लेंगे यहाँ तक मेजर कर लेते हैं. सपोज करिए इस पर देखिए निशान बना हुआ है. दिस इज इन सेंटीमीटर. इसी प्रकार इसमें भी बना हुआ है वाइट में भी 10, 20, 30, 40, 50 सेंटीमीटर में ये बना हुआ है. ठीक है. तो इसका जो जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये किस पॉइंट को टच कर रहा है? इस पे पॉइंट को सपोज करिए अगर 30 को कर रहा है 34 को कर रहा है तो दिस इज योर लेंथ.
मीटर द वेट ओपेसिटी पर लीटर एक मीटर प्रिंट इतनी एरिया को कवर करेगा. दिस इज हाउ वी मेजर विद द हेल्प ऑफ पिप्टोमीटर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. तो दिस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेट ओपेसिटी इक्वल टू 0.008. व्हाई दिस टू वैल्यू? तो अब आपसे एक सवाल हमारा ये है कि सपोज करिए दो तरीके के पेंट है, एक लाइट कलर का एक डार्क कलर. टोटल पेंट को दो कैटेगरी में बांटे, जैसे हल्के कलर और व्हाइट, डार्क कलर और थोड़े से ब्लैक. ठीक, ये दो कैटेगरी मान लीजिए बांटे. जैसे कि ब्लू ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, ये आपके डार्क पेंट हो गए. रेड ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, ये डार्क पेंट. ठीक है, पेसल ग्रीन हो गया या येलो कलर हो गया या स्काई ब्लू कलर हो गया, ये आपके लाइट हो गए. अब अगर ओपेसिटी देखना है तो कई बार ऐसा होता है कि जो लाइट पेंट होते हैं वो आपका पूरा निकल जाता है, ओपेसिटी नहीं कर आती है. तो 0.008 इज हैविंग हायर वेज इंजिन. ये वेज इंजिन जो उसका होता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. Gracias.